हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर एंजॉयिंग माय वीडियो एंड होप यू गाइस आर फाइन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सबके लिए वीडियो बनाने भी चली आई हूँ। सो गाइस, इट्स योर गर्ल रोजी एंड आई एम बैक अगेन विद अ न्यू यूट्यूब वीडियो। तो गाइस, कैसे हो मेरे प्यारे चिप्सार्स, रोजियंस और चायपत्तियंस, मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। सो गाइस, जैसा कि आपको टाइटल थंबनेल देख के पता चल ही चुका होगा कि आज के इस वाले यूट्यूब वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। सो गाइस, आज इस वाले यूट्यूब वीडियो पे मैं 24 घंटे के लिए एज अ नागिन अपना पूरा दिन बिताने वाली हूँ। सो गाइस, आज 24 घंटे के लिए यही होगा मेरा कॉस्ट्यूम। और गाइज, आज 24 घंटे के लिए मुझे इसी मेकअप को कैरी करना है और इसी सेम हेयर स्टाइल को कैरी करना है और सेम ज्वेलरी को भी कैरी करना है। सो गाइज, आई एम वेरी 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 मच एक्साइटेड फॉर टूडेज 24 आवर चैलेंज। और गाइज, मैंने हिंदी टेलीविजन से थोड़ा इंस्पायर होके इस वाले यूट्यूब वीडियो को बनाने के बारे में सोचा। और गाइज, अगर आपको इसी तरह के यूनिक वीडियोज मुझसे देखना है, देन प्लीज कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। और गाइज, आज मैं पूरे दिन इतना मेहनत करूंगी तो एक लाइक करना तो आपका भी फर्ज बनता है ना। तो प्लीज एक लाइक कर दो और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और गाइज, आज मैं खूब सारी रील्स बनाऊंगी, पिक्चर्स क्लिक करूंगी और सेल्फीज क्लिक करूंगी, खूब मजे करेंगे। और एक ट्विस्ट है आज इस वाले यूट्यूब वीडियो पे, मैं थोड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट भी करूंगी। इसका मतलब इस हालत में मैं आज बाहर जाऊंगी। और गाइज, मैंने ये टेम्पररी सांप का टैटू बनाया है, तो कैसा है थोड़ा बताओ। अभी बजे सुबह के 8:30, तो या गाइज अभी से ये चैलेंज होने वाला है शुरू। तो गाइज, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल्स में कि मैंने अपने आप को एज अ नागिन ट्रांसफॉर्म करते वक्त क्या क्या बदलाव लिए है। तो गाइज, सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ आउटफिट से। तो गाइज, ऊपर मैंने पहना है ब्लैक कलर का ये ब्लाउज, नीचे धोती पैंट। तो गाइज, मैंने बहुत सारे हिंदी टेलीविजन में देखा है कि नागिन लोग इस तरह की आउटफिट पहनते हैं। तो गाइज, उसके साथ मैंने बेली डांस करते वक्त डांसर लोग जो बेल्ट पहनता है वो ऐड किया है ताकि और थोड़ा ग्लो बढ़े। तो गाइज, कानों में मैंने पहन लिया है दो बड़े बड़े बाहुबली इयररिंग्स एज यू कैन सी। और गाइज, मैंने अपने सर पे पहन लिया है टिकली विद सेम डिजाइन। तो गाइज, ये तीनों मुझे एक सेट के साथ मिला है। और गाइज, मैंने गले में कुछ नहीं पहना बिकॉज नागिन लोग गले के थोड़ा सा ओपन रखते हैं। और हाथ में मैंने पहन लिया है ज्वेलरी विथ रेड नेल पॉलिश। और गाइज, पैरों में मैंने पहन लिया है हाई हील्स बिकॉज मैंने नागिन लोगों को देखा है आइदर पंप शूज और हाई हील्स में। तो थोड़ा देख लो। तो गाइज, अब मुझे समझ आया कि हिंदी टेलीविजन वाले नागिन सीरियल्स में नागिन लोग जो मेकअप करते हैं वो कितना डिफिकल्ट है। बिकॉज मैं आज जब खुद बनी हूँ नागिन, तब पता चल रहा है इतना ज्यादा हैवी आउटफिट विथ हैवी इयररिंग्स, तो वो लोग सच्ची में बहुत मेहनत करते हैं। अपने लेफ्ट साइड के बालों को सामने की तरफ ले लिया है और राइट साइड के बालों को पीछे की तरफ रख दिया है। और गाइज, सिंपल सा हेयर स्टाइल किया है मैंने। और गाइज, मैंने गोल्ड मेकअप लुक क्रिएट किया है बिकॉज आज मैं नागिन बनी हूँ। और ब्लू लेंसेज ऐड किए बिकॉज नागिन के आंख आइदर रेड या फिर ब्लू होते हैं। और गाइज, रेड लेंसेज मुझे मिले भी नहीं और मेरे पास है भी ब्लू थे, इसलिए वही पहन लिए। तो गाइज, कैसी लग रही हूँ मैं मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। गाइज, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि अब तक के आप लोगों ने जितने सारे हिंदी टेलीविजन में नागिनों को देखा है, किसके साथ मेरा ये लुक थोड़ा सा भी मैच हो रहा है। ठीक है, आपके हिसाब से कौन है जिसके साथ ये लुक जा रहा है। सो गाइज, अभी बजे सुबह के 9 और अभी मैं करने वाली हूँ मेरी ब्रेकफास्ट। और गाइज, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था बालों को लेके, इसलिए मैंने पीछे की तरफ रख दिया बिकॉज ऑलरेडी इतने हेवी हेवी इयररिंग्स और उसके साथ ये फ्री। सो गाइज, मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है मुझे। एसी एकदम 18 में चला दिया और उसके साथ ब्रेकफास्ट में मैंने ले लिया है आइसक्रीम। और गाइज, आइसक्रीम बनता है मिल्क से। और गाइज, ये वैनिला आइसक्रीम है, तो बिल्कुल स्नेक का खाना इनडायरेक्टली तो हुआ, इनडायरेक्टली, वरना वो लोग तो क्या सब खाते, फ्रॉग्स देन कीड़े मकोड़े। मैं तो वेजिटेरियन हूँ और वैसे भी खाता हूँ, इसीलिए इसी से
आज मैं करने वाली हूँ मेरी ब्रेकफास्ट, बट सांप तो चम्मच से नहीं खाते, वो लोग ऐसे खाते, सो आई विल ट्राई लाइक दैट। नहीं हो रहा, बहुत टाइम लगेगा। सांप के जैसा हो ही नहीं रहा बिल्कुल तब करके। नहीं हुआ। अच्छा अब थोड़ा ट्राई करते हैं, ऐसे करना है हमको, थोड़ा सा ही हुआ। सांप एक्चुअली ना खाना निगलते, तो मुझे इसको निगलना है। नहीं हो रहा, और एक बार लास्ट ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं इसको ऑफ कैमरा फिनिश करूंगी। सो गाइस मुझसे नहीं हो रहा है ऐसे ऐसे खाना, तो मैं भी ऑफ कैमरा आइसक्रीम को फिनिश करती हूँ और उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ, तो कीप ऑन वॉचिंग। सो गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सांपों की तरह रेंगते हुए चलूं, पर चल के नहीं, अपने पेट के बल से मैं रेंगते हुए चलूंगी। मैं कोशिश करूंगी, और गाइस गुटी भी अभी खेल रही है उसके टेडी के साथ, तो गुटी जरूर डिस्टर्ब करेगी, बट क्या किया जा सकता, और ज्यादा मजा आएगा। डॉग वर्सेस स्नेक, सो लेट्स बिगिन द फाइट। अरे 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 क्या हुआ, गुटी गुटी चली गई, उसको लगा कि मैं गिर गई। अरे देन लेफ्ट, अरे सांप ऐसे 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 से चलते, अरे मैं कैसे चलूंगी यार, नहीं हो रहा। गुडी गुडी, अरे सांप कम भूतनी ज्यादा लग रही है। नहीं हो रहा, इतना ही हुआ, पर गाइस जितना भी किया मैंने थोड़ा सा किया, सिर्फ आई थिंक इतना सा डिस्टेंस कवर कर पाई। जो भी हो इतना मेहनत करूँ, एक लाइक कर दो, थैंक यू। सो गाइज अभी मैं निकली हूँ शिकार ढूंढने, जिसको डसूंगी। सो गाइज वहाँ पे लोग देख रहे हैं, तो हमें बिन बुलाए मेहमान की तरह बिन बुलाया शिकार बिल्कुल मुफ्त मुफ्त में मिल गया। लेट्स सी, हाँ वो लोग देख रहे थे, ठीक है, मेरे सामने जो थे ये लोग देख रहे थे। आप लोग जस्ट एक बार देख लो, अभी नहीं देख रहे अपने। हाँ हाँ कितने सारे लोग हैं यार, देख रहे। अभी हम लोग थोड़ा सीधे चलते हैं, कोई ज़्यादा है नहीं अभी देखने के लिए। बट गाइस मैं मॉर्निंग वॉक के वक्त ही आई हूँ, बट आज कोई नहीं, क्यों नहीं आया यार, पीछे के सारे लोग देख रहे हैं। नहीं यार कोई, चलो यू टर्न मारते, वहाँ पे कुछ लोग हैं, पट्टा देखेंगे तो जरूर। बाइक आ रहा है पीछे से, नहीं देख। अरे यार कोई तो नोटिस करो, ये देखो गाइस पीछे के सारे लोग देख रहे हैं। इधर अगर आए ना इंटरव्यू भी ले लेंगे। इन सब ने देखा, और अभी तो है नहीं कोई, अगर कोई मिल जाता ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता। और गाइस एक अंकल है सामने, थोड़ा वहाँ पे जाते हैं, ये जरूर देखेंगे। दैट्स द शो, अंकल ये देखो, अंकल ने एक बार देखा। तो गाइस लेट्स गो टू होम, बहुत सारे लोगों ने देख लिया। चेहरा जैसे चांद खिला,
मुझसे दूर कहीं ना जा, काहे शर्माए जाती है, मेरा दिल धड़काती जा। और भी गानों में होता है वैसे अंग अंग बढ़ता, नाखून जैसे कमर हिला आ। चांद खिला, मुझसे दूर कहीं ना जा, काहे शर्माए जाती है, मेरा दिल धड़काती जा। और भी गानों में होता है वैसे अंग अंग बढ़ता, नाखून जैसे कमर हिला आ। चांद खिला, मुझसे दूर कहीं ना जा, काहे शर्माए जाती है, मेरा दिल धड़काती जा। और भी गानों में होता है वैसे अंग अंग बढ़ता, नाखून जैसे कमर हिला आ। It's belong, there's
संग नचे परदेसी, It's been long, तेरे संग नचे परदेसी, आगिन अभी है लंच टाइम। और गाइस सांप जो लंच करते हैं यानी कि बड़े बड़े मेंढक, फ्रॉग्स, कीड़े मकोड़े और भी कई सारे अजीबोगरीब क्रिएचर, तो मैं बिल्कुल हूँ वेजिटेरियन, तो सफेद चीज खाना है मुझे बिकॉज सांप को सफेद दूध बहुत ज्यादा पसंद है। और गाइस फ्रूट्स खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो मैंने जुगाड़ लगा दिया मोमोज। और गाइस इनको देख के आप मशरूम समझ लो और सांप मशरूम खाते होंगे, नहीं पता यार। अरे यार उनको भी अगर आप मोमो दे दोगे ना, निगलेंगे या नहीं वो नहीं पता, बट ये क्या है। तो गाइज अभी मैं इन मोमोज को खाने वाली हूँ एज माई लंच, और अभी बजे दोपहर के 2। मैं हमेशा 2 बजे लंच करती हूँ बिकॉज आई लाइक टू कीप माई लाइफ इन अ डिसिप्लिन वे, बट जिस दिन वीडियो करती हूँ उस दिन कुछ नहीं होता, सिर्फ दोपहर से ही डिसिप्लिन चालू होता है, बाकी टाइम एकदम। तो खाती हूँ, सॉरी निगलती हूँ। तो अभी नागिन जी खाने वाली है, तो यार गाइस मैं इसको कंप्लीट करने के बाद आप सबसे मिलती हूँ। सो गाइस अभी बजे दोपहर के 2:30, और गाइस मैंने रील्स बनाए धूप में और लोगों के ऊपर सोशल एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए, सेल्फीज क्लिक किए, और इस धूप में इतना सब कुछ करके इतना ज्यादा मैं थक चुकी हूँ कि मेरा मन तो कर रहा है भाई एकदम जाके सो जाओ, बट मैं वैसा तो नहीं कर सकती, तो इसीलिए थोड़ा रेस्ट ही ले लेती हूँ। तो गाइज मैंने सारे ज्वेलरी ओपन कर लिया है और थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा है, बट गाइज आई कैन नॉट ओपन माई आउटफिट और आई कैन नॉट रिमूव माई मेकअप और नाइट सूट भी नहीं पहन सकती, तो ऐसे ही थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ। बट मुझे ध्यान रखना है कि मैं बिल्कुल ना सो वरना मेरा मेकअप जाएगा पूरा। तो या गाइज अभी थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ With my goodie, तो उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। So yeah, so guys अभी बजे शाम के 5, और अभी मैं करने वाली हूँ मेरी इवनिंग स्नैक्स। और guys सांप लोग तो ऐसे इवनिंग स्नैक्स नहीं करते, बट सांप को दूध काफी ज्यादा पसंद है और सांप लोग दूध ही ज्यादा निगलते हैं, तो मुझे दूध बिल्कुल नहीं पसंद। अगर चाय के साथ हो या फिर कॉफी के साथ तो फिर ठीक है, बट ऐसे नॉर्मली दूध मुझे बचपन से नहीं पसंद, तो आज कैसे खा पाऊंगी। बट मैंने एक रामबाण इलाज ढूंढा है जो कि है ये लस्सी। तो गाइस दूध और लस्सी बेसिकली दिखता है सेम, किसको पता चलेगा, सिर्फ आपको और किसी को नहीं। तो इसी को एज अ दूध समझ के निकलूंगी मैं, और दूध वाला वो फीलिंग आने के लिए इसको यहाँ पे मैं प्लेस करूंगी। और सांप लोग ना ऐसे नहीं खाते, कटोरी में ही खाते, दूध हो या फिर चाय नहीं खाते, दूध या फिर फ्रूट्स। आज बहुत ज्यादा मुझे भूख लग रही है क्योंकि आज चैलेंज की वजह से क्या सब कुछ निगलना पड़ रहा है, बिल्कुल दूध वाला फीलिंग आ रहा है। इतना दूध यार गाइस, ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल गाय के पेट से दूध निकल रही हूँ, और भी है। मुझे लस्सी पसंद है, ऐसा नहीं कि पसंद नहीं, नहीं निकल रहा। तो ये ना मैं ऐसे ही नॉर्मली खा लेती हूँ वरना ये वेस्ट जाएगा। इसको कहते हैं कंजूसी। ओके, सो बालों की तरफ बिल्कुल मत ध्यान दो, इसको यहां रखते हैं। किस तरह से पीना है मुझे ऐसे देखो गाइस,
ऐसे खाऊंगी, दो दिन बीत जाएंगे बट ये खत्म नहीं होगा। नागिन लोग खाते कैसे हैं यार, इतने सारे बड़े बड़े झुमके पहनते। अब नॉर्मली खाती हूँ और नहीं होगा ऐसा। ग्लास पूरा निगल लिया इस सांप ने, सॉरी सापी नहीं, क्या कहते ना, हाँ नागिन ने पूरा एकदम निगल लिया दूध को, मतलब दूध जैसी दिखने वाली लस्सी को। तो अभी नागिन जी करेंगी पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, क्योंकि सामने ही नागिन जी का एग्जाम जो है। तो मैंने अपने सेल फोन पे सारी बुक्स के एकदम पिक्चर क्लिक कर लिए जो मुझे आज पढ़ना है, बिकॉज जिस दिन मैं वीडियो करती हूँ ना उस दिन मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ, वो बुक्स पकड़ने का हिम्मत नहीं होता। तो अभी मैं थोड़ा पढ़ाई करूंगी और गाइज उसके बाद मैं आप सबसे डायरेक्टली मिलूंगी डिनर टाइम पे। तो मैं अभी थोड़ा पढ़ती हूँ, रेडी यू गाइज, कीप ऑन वॉचिंग। सो गाइज अभी बजे है रात के 9:30 और गाइज मैं इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गई थी कि मैंने अपना इयररिंग्स और हाथों का जो सामान था बिल्कुल उतार दिया, बिकॉज मेरे कान बहुत ही ज्यादा भारी हो रहे थे एंड पढ़ाई में भी डिस्टर्ब हो रहा था, तो इसीलिए, और हाथ से मैं लिख नहीं पा रही थी तो इसीलिए मैंने हटा दिया। बाय द वे गाइज नाउ आई होप दैट यू विल बी एबल टू सी माई टैटू क्लियरली। सो गाइज ये टेम्पररी टैटू है जो कि 10 से 12 दिन तक रहता है आपके हाथों पे, मैंने ये 2-3 दिन पहले करवाया है। You can see, still now it's looking like a real tattoo. बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मैं जब रियल में tattoos बनाऊंगी तब इसको जरूर, मतलब इस तरह का डिजाइन में यहाँ पे जरूर करूंगी, because it's suiting my hand very much. And guys, if you don't know that I am very, very, very fond of tattoos. और मुझे tattoo बहुत ज्यादा पसंद है and I just love tattoos. तो मुझे यहाँ पे एक butterfly बनाना था और यहाँ पे एक सांप ऐड हो गया और नाम मैं यहाँ पे लिखना चाहती हूँ। तो या गाइज बहुत बकबक कर लिया। सो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि डोमिनोज के पिज्जा के साथ सांप का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन यही है कि पिज्जा में क्या लगता है? चीज। चीज किससे बनता है? मिल्क। और मिल्क किसको पसंद है? ऑफ कोर्स नागिन जी को, यानी कि हमारे सांपों को, इंडियन सांपों को तो पसंद है, आई डोंट नो अबाउट विदेशी सांप। तो या इनडायरेक्टली यही सूझा मुझे और कुछ नहीं सूझा। और अभी 9:30 बज गया, अभी सारे के सारे रेस्टोरेंट बंद भी हो रहे हैं कोविड की वजह से आजकल। तो या गाइस इसको एक ठूस लिया जाए क्यों ना। तो एक पीस उठा के थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ खाके। एंड गाइस इट्स माय फेवरेट पिज्जा, पास्ता पिज्जा मुझे काफी ज्यादा पसंद है। चीज मैंने एक्स्ट्रा करके एकदम मंगवाया है। तो या गाइस मैं खा लेती हूँ और उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। सो या गाइस मैंने अपना डिनर बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। सो गाइस अभी बजे 10:00 और गाइस मैंने ब्रश भी कर लिया आराम से ताकि मेकअप ना उतरे। गाइस एज यू कैन सी बाय माय फेस दैट आई एम वेरी 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 टायर्ड। सो इसलिए गाइस अभी मैं जाऊंगी सोने, बट बिफोर दैट एक्स्ट्रा तो कर लू। सो या गाइस That's all for today. Thank you so much कि आपने इस वाले YouTube वीडियो को एंड तक देखना पसंद किया। So guys, अगर आपने इस वाले YouTube वीडियो को एंड तक देख ही लिया है then please like, subscribe, share और comment करते हुए जाना। और guys, मुझे Instagram पे follow करना बिल्कुल मत भूलना, link description box में है, वहां से checkout करके मुझे follow करते हुए जाना। और guys, comment करके बताओ कि आपको आज का ये वाला 24 आवर लिविंग लाइक अ नागिन चैलेंज वीडियो कैसा लगा, और ये भी बताओ कि नेक्स्ट कौन सा 24 आवर चैलेंज वीडियो देखना चाहते हो आप लोग। और गाइज आपको इस वाले यूट्यूब वीडियो पे मेरा परफॉर्मेंस, मेरा एक्टिंग और नौटंकी सब कुछ कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। और गाइज
नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहते हो, कौन से टॉपिक के ऊपर, कोई एक रिक्वेस्ट एंड उस टॉपिक के ऊपर वीडियो में बना के अपनी यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगी और जो कोई भी मुझे रिक्वेस्ट करेगा उसका नेम तो मैं जरूर लूंगी। सो या गाइज, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस वाले यूट्यूब वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो या गाइज, आई होप दैट कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा हंसे हो, आप सबको मजा आया। तो या गाइज, आप सबकी खुशी पे मेरी खुशी। तो या गाइज, आज के लिए यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वाले यूट्यूब वीडियो पे। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, कीप लविंग, स्प्रेड पॉजिटिविटी, लव योर सेल्फ, लव एवरी वन, बी कॉन्फिडेंट। तो या गाइज, बाय बाय, लव यू ऑल। सो गाइज, अभी मैं जल्दी से जाऊंगी सोने, तो टाटा, गुड नाइट, चलो सो जाते हैं, बाय।